কাকরাইল মার্কাজ আমাদের, নিজামউদ্দিন মার্কাজ আমাদের, সারা দুনিয়ার জিম্মাদার আমাদের হযরত মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বরকাতহুম। আজকে আট বছরের বেশি সময় ধরে ওনাকে বাংলাদেশে আসতে দেওয়া হইতেছে না, যে কারণে দাওয়াতের তবলিগের সমস্ত জিম্মাদার সাথীদের এটা একটা বলে বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটা চাওয়া যে এরকম ভাবে সমস্ত কাজ আঞ্জাম নিজামউদ্দিন থেকে হযরত মাওলানা সাদ সাহেবকে দিতেছেন, এই জন্য ওনাকে এখান থেকে ওনাকে বাংলাদেশে আনার জন্য আসানোর জন্যই আমাদের এই সরকারের কাছে আহ্বান, এই জন্য সমস্ত সাথীদের জরুর হওয়া। এখানে আর কোনো কিছু না, কাকরাইল এখন আমাদের, কাকরাইল এখন আমরা আমাদের জামাতে অবস্থান করতেছে, নিজামউদ্দিনের মানিয়ালা জামাতে, এতেদের জামাতে অবস্থান করতেছে, যে জামাতের জিম্মাদার হযরত মাওলানা সাদ সাহেব, উনি সারা দুনিয়ার আমির, এই জন্য এখানে এই জন্য আসা হয়েছে, এটাই জরুরি, আর কোনো কথা এখানে নাই। এই জন্য আমাদের এভাবে সাক্ষাৎকার যা দেওয়ার আমাদের মুরব্বীরা আছে ওনারা দেবেন। আর এখানে আজকে জুমার নামাজ হবে এক জামাতে প্রায় কয়েক লক্ষ সারা দেশ থেকে আসছেন, একটাই দাবি আমাদের আমির হযরত মাওলানা সাদ সাহেবকে বাংলাদেশে আসতে দেওয়া হোক, বিশ্ব ইসলামে আসতে দেওয়া হোক, এটাই আমাদের দাবি সরকারের কাছে। এবং এটা মান্নিয়ালা জামাত, এটা সিবদের জামাত, এটা বিতর্কিত জামাত না, সারা দুনিয়ার কাজকে আমজান দেয় শেষ নবীর উম্মতে যাবে, এটাই আমাদের দাবি আমাদের হযরত মাওলানাকে দেশে আসতে দেওয়া। বিসমিল্লাহ রহমান রহিম। মেরা এক তজজিয়া হে বাংলাদেশ কে হালাত কে বারে মে, বাংলাদেশ কে কুছ লোগ আপনে বড়ে यानी दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर को नहीं मान रहे हैं और दारुल उलूम देवबंद की नहज से हटकर चल रहे हैं, जिसका मैं आपको हवाला देने जा रहा हूं। बराए करम गौर से पढ़ें और बांग्लादेश के कुछ ग्रुप के लिए दुआ करें। भोपाल का हर साल आलमी इज्तिमा होता है जिसमें लाखों लोगों की शिरकत होती है। उस इज्तिमा में हजारों उलमाए किराम तशरीफ लाते हैं और दुआ मदरसे काशिफुल उलूम के शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद साद साहब दामत बरकातहुम फरमाते हैं। निजामुद्दीन मरकज में जो अकाबिर है वो जय्यद उलमा हैं, बड़े बड़े मदारिस से फारिग हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद, मजाहिरुल उलूम, नदवतुल उलमा वगैरह वगैरह। अक्सर अकाबिर का अपना मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं और बेहतरीन आलिम तैयार हो रहे हैं। अब ये सवाल मैं बांग्लादेश के कुछ ग्रुप से करना चाहता हूँ कि आप सोचें, जो मदरसा चला रहा हो, निजामुद्दीन मरकज में एक आलीशान मदरसा हो, वो क्यों लोगों को मदरसे के खिलाफ बात करेगा? सारे निजामुद्दीन मरकज के अकाबिर के बच्चे मदरसे में ही पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मरकज में 24 घंटे बयानात होते हैं, तबलीग के हजरात को ये बताया जाता है कि तुम अपने बच्चों को आलिम बनाओ। एक मौके पर किसी ने शेखुल हदीस हजरत मौलाना साद साहब से कहा कि हजरत मैंने अपने एक बच्चे को आलिम बनाया, दूसरे को डॉक्टर बनाया, तीसरे को किसी और शोबे में डाला। ये सुनकर हजरत जी ने फरमाया कि तुमने अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी की है, तुम्हें तीनों बच्चों को आलिम बनाना चाहिए था, अगर इनमें से दो ने अल्लाह के सामने सवाल कर दिया तो तुम क्या जवाब दोगे? अब सोचिए, मरकज में तो तबलीगी के बच्चों को पूरी तरह से आलिम बनने की नसीहत दी जा रही, और मेरा अपना तज्जिया है कि अक्सर तबलीगी घरानों में उलमा पाए जाते हैं, इसके बावजूद आप ये क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में? अमीरुल मोमिनीन मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने तुम सबको नसीहत की थी कि मौलाना साद साहब दामत बरकातहुम का मसला खत्म हो चुका है और जिन्होंने नसीहत की है उनके पीछे लाखों उलमा है, क्या तुम अपने बड़ों का कहना नहीं मानते? अब दूसरी बात, अक्सर देखा गया कि जो भी तबलीग में मनफी चीज होती है उसे निजामुद्दीन मरकज की तरफ कर दिया जाता है, जो भी अच्छा होता है उसे रावण मरकज की तरफ कर दिया जाता है। जब पूरी दुनिया ने 2015 के बाद ये तमाशा देख लिया कि शिद्दत पसंद जमात कौन है, जैसा कि हालिया वाकयात में देखा गया कि रावण मरकज में एक गैर आलिम उलमा को नसीहत कर रहा है कि मशवरा अक्सरियत पर होगा और जो तबलीग से जुड़ा नहीं है वो बयान नहीं करेगा। हैरत की बात यह है कि जो तबलीग से जुड़े हुए हैं उनसे भी बयान नहीं करवाया जा रहा, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब को देख लीजिए जो पूरी दुनिया में दीन को पहुंचा रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज से मकातिब कायम करने की बात की जाती है तो कहा जाता है कि नहज से हट रहे हैं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब को पढ़ने को कहा जाता है तो ये तोहमत लगती है कि नहज से हट रहे हैं। बड़े बड़े उलमा के बयानात को निजामुद्दीन मरकज के प्लेटफॉर्म से कराया जाता है तो ये कहा जाता है कि नहज से हट रहे हैं, ये कहां का इंसाफ? पूरी दुनिया का सफर आलमी शुरा के अहबाब कर रहे हैं, जिन्हें हजरत मौलाना इनाम साहब ने अपनी शुरा में भी नहीं रखा था, और जो छोटे छोटे मशोरे में शरीक हो रहे हैं, और निजामुद्दीन मरकज के बड़े बड़े मशोरे होते हैं उनमें भी मौलाना साहब नहीं जाते, निजामुद्दीन के अकाबिर ही संभाल लेते हैं।
आपको मौलाना साद साहब से इतना डर क्यों सता रहा है? मौलाना साद साहब ने लाखों लोगों के सामने इकरार किया है कि हमारा मरकज दारुल उलूम देवबंद है। जुबान के इकरार के बाद जिसके गवाह लाखों लोग हैं, उसके बाद आप शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, आप में हिम्मत नहीं है कि आप गलत फिरके को बैन करवाएं या उनके सदर को आने से रोकें बांग्लादेश में, क्योंकि वो आप पर हमलावर हो जाएगा। आपको बेचारे भोले भाले तबलीगी मिल गए हैं जिन पर हमला करना आसान है, जो आपने माजी में किया था। आपका काम अगर सही है तो आप अपना काम करें, अगर आवाम को सही लगेगा तो आप आवाम आपका काम कबूल कर लेगी। अब बांग्लादेश के उलमा को क्यों गलत खबर दे रहे हैं? अभी भी वक्त है, या तो अपना काम करें या एक होकर काम करें। अस्सलामु अलैकुम माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, गो टू यूट्यूब एंड सर्च इल्मी इस्तिफादा एंड सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल। गो एंड सर्च इल्मी इस्तिफादा, कीप सपोर्टिंग अस ऑन यूट्यूब। चैनल लिंक ऑल्सो गिवन इन बायो।